जो है वो किस तरह से होती है और उसका रेशन जो है वो कैसे बनती है वो। और आज जो हम करेंगे कि ब्लॉक लेवल के ऊपर जो पंचायत होती है उसको पंचायत समिति जो है उसको बोलते हैं। और उसका क्या काम है बच्चों? उसका काम है कि जो ग्राम पंचायत होती है उनका जो सुपरविजन करना, उनको जो उसकी देखभाल करना, उसको जो है ना अपने अंडर जो रखना। और यहाँ पर कहता है कि जो ब्लॉक होते हैं उसके अंदर जो ना नंबर ऑफ विलेजेस जो होते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर कई गांव जो है वो अंडर आ जाते हैं। जैसे कि बच्चों गुना जो है हमारा एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर जो है ना काफ़ी गांव आते हैं। ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति इज नाउ बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। देखो बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक समिति है या पंचायत समिति है इसके डिफरेंट नाम है डिफरेंट स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन उत्तर प्रदेश दीज आर नाउ एज क्षेत्रीय समिति। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो अपना स्टेट है वहाँ पर जो है क्षेत्रीय समिति जो है इस पंचायत समिति का नाम लिया जाता है। वेल इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात देयर आर नाउ एज जनपद समिति एंड तालुका पंचायत। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो मध्य प्रदेश है और गुजरात है वहाँ पर पंचायत समिति का जो नेम है वो क्या नाम है, जनपद समिति या तालुका समिति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन। द पंचायत समिति कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि इसके जो पार्ट है पंचायत समिति जो पार्ट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ऑल द सरपंच ऑफ द पंचायत विद इन द ब्लॉक। कहते हैं कि जितने भी जो सरपंच है उस ब्लॉक के उस या पंचायत है वो सारी की सारी उस ब्लॉक के अंडर आती है। द एम पी एंड एम एल एज ऑफ दैट एरिया। यहाँ पर कहते हैं कि जो एम पी जिसकी फुल फॉर्म है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और एम एल एज जिसकी फुल फॉर्म है मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बच्चों जो एम पी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने में जो ये हेल्प करते हैं, लोकसभा के अंडर आते हैं ये। और जो एमएलए हैं ये विधायक समिति के अंदर आते हैं जहाँ पर जो ना वो चीफ मिनिस्टर जो वो चूज़ करते हैं। ये स्टेट के होते हैं और ये पूरी कंट्री के जो ना वो हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द टाउन एरिया कम्युनिटीज नाउ नाउ एज नगर पंचायत। तो कहते हैं कि जो टाउन एरिया के जो कमिटीज़ हैं उसके जो चेयरपर्सन है वो भी इसी के अंडर आते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द जिला परिषद और जो जिला परिषद है वो भी इसी ब्लॉक के अंडर जो है वो आते हैं। एवरी पंचायत समिति मस्ट हैव सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। कहते हैं कि जो पंचायत समिति जो बनती है उसके अंदर वुमेन के लिए जो है ना सीटें रिजर्व होती है। इट शुड आल्सो हैव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर वुमेन्स के साथ साथ जो है ना शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स पीपल हैं उनके लिए भी जो है रिजर्वेशन की जाती है। द पंचायत समिति हैज़ ए टर्म ऑफ 5 ईयर। कहता है जो पंचायत समिति है बच्चों वो 5 साल तक के लिए चूज की जाती है। ऑफिस बैरियर्स, ए मेंबर्स ऑफ द समिति इलेक्ट ए चेयरपर्सन एंड ए वाइस चेयरपर्सन। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन द वाइस चेयरपर्सन फंक्शन एज इट्स हेड। तो कहते हैं कि जो समिति जो इलेक्ट की जाती है उसके अंदर चेयरपर्सन भी होते हैं और साथ होते हैं वाइस चेयरपर्सन। जब चेयरपर्सन एब्सेंट हो रहता है या एब्सेंस हो जाता है तो उसकी जगह जो पावर है वो वाइस चेयरपर्सन के पास है पहुंच जाती है, फिर वही जो है ना उसे फंक्शन का जो है वो हेड होता है। फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ब्लॉक समिति है उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो काम करती है। द विलेजर्स नीड द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एग्रीकल्चर एजुकेशन लैंड डेवलपमेंट एंड एनिमल हाउसबेंड्री। द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति आर टू हेल्प द विलेजर्स इन ऑब्टेनिंग इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो पंचायत समिति है ना या ब्लॉक समिति है उनका मेन काम क्या है कि जो विलेजर्स हैं जिनको एग्रीकल्चर के अंदर जो है उनको सीड्स और जो फर्टिलाइजर्स चाहिए
उनको जो है पहुँचाने में जो है उनकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो है ये उसका एक बेनिफिट है हमारे कि जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो हमारी हेल्प कर रही है। सेकंड है टू एजुकेट पीपल अबाउट न्यू एंड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो नए नए जो इम्प्लीमेंट्स आते हैं उनकी नॉलेज जो है वो करवाएं, उनके बारे में बताएं गांव के अंदर जो फार्मर जो करते हैं खेती करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अब एग्रीकल्चर जब करते हैं तो नई नई जो मशीनें आ रही है, कृषि यंत्र आ रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर करना और भी काफ़ी ईजी हो गया और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो उनकी जानकारी जो है ना किसानों तक पहुँचाने का काम भी जो है वो पंचायत समिति का है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हैप्पी सीडर्स नाम की जो आई हुई है मशीन, या फिर रोटावेटर जैसी मशीनें आई हुई हैं, तो इनका जो काम क्या है कि वो मशीनों के बारे में जो है ना लोगों को जो ना अवेयर करें, और पेस्टिसाइड का यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में जो ना लोगों को उनके बारे में अवेयर करें। टू मेक देम अवेयर ऑफ द नीड ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर देयर चिल्ड्रन सो एज़ टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट मैनी डिस्कीज। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो बच्चे हैं उनका जो टीकाकरण या फिर उनके जो उनके अवेयरनेस के बारे में कैसे उनको जो ना केयर करें, उनके जो कैसे जो ना एक हेल्दी डाइट दे, या उनको जो टीकाकरण जैसे चलता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पोलियो बचाओ दो बूंद जिंदगी की, जैसे पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बताया जाता है, तो लोगों को उनको अवेयर किए जाते हैं ताकि जो ना और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत सी बीमारियों से जो लड़ने की जो ताकत उनके अंदर होनी चाहिए। टू टेल द पीपल अबाउट द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, और वो लोगों को जो ना फैमिली के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं हमारे उनके बारे में बताया जाता है कि जो ना कैसे जो ना फैमिली को जो ना वो रखा जाना चाहिए, उनकी स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। टू एस्टेब्लिश स्मॉल इंटरप्राइज इन द रूरल एरिया, तो यहाँ पर ये कहता है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर कुछ छोटे मोटी जो हमें कोई छोटे जो कारखाने हैं वो लगाने के लिए जो है उनकी हेल्प करती है। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वर्क इन द क्लोज कोऑपरेशन विद ब्लॉक समिति सी एंड ही इंक्रीज द इम्प्लीमेंशन ऑफ द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द ब्लॉक समिति। कहते हैं कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जिसको BDO बोल देते हैं हम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO जिसको बोल देते हैं, वो उसका काम क्या है कि वो जो ब्लॉक समिति है उनके साथ मिलकर जो ना वो काम करती है और नए प्लान कुछ लेकर आती है जिससे जो ना वहाँ की डेवलपमेंट किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लॉक समिति है, जो ब्लॉक समिति है उसकी जो इनकम ऑफ सोर्सेज कहाँ से है, कि सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो किस पार्ट से आती है। तो यहाँ सबसे पहले कहता है कि ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल एक्सटेंस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे जो ना हमारे पास ग्रांट से आती है और उस ग्रांट को जो ना ब्लॉक लेवल आगे विलेज को जो डिवाइड कर देते हैं। इनकम फ्रॉम द टैक्स लेव्ड बाय द समिति, तो कहता है कि कुछ टैक्स है जो जो हमारी ब्लॉक समिति है वो लगाती है इनकम के ऊपर। टैक्स इम्पोज्ड ऑन फेयर मार्केट्स एंड हाउस, कहते हैं कि जो हाउस टैक्स है या कोई फेयर कोई मेला लग रहा है कोई मार्केट के अंदर है तो वो उनसे टैक्स भी लेती है जिससे उनकी इनकम होती है। रिलाइजिंग ए लेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर यूज बाय द पीपल, तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो बिल आता है उससे भी जो है उनकी इनकम होती है। तो इस प्रकार जो है ना जो हमारी ब्लॉक समिति है उनकी इनकम हो रही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारे जिला परिषद के ऊपर और कैसे जो जिला परिषद जो है ना वो काम करता है उनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यहीं क्लोज होता है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।